सभी दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कबूतरों के बच्चों का जोड़ा हमें कब लगाना चाहिए, यानी कितने बड़े कबूतर के बच्चे का हमें जोड़ा लगाना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखें, वरना आपको वीडियो सही से समझ नहीं आएगी। कबूतर के बच्चों का जोड़ा आपको जब तक वे बच्चे अपने 10 परों को साफ नहीं कर लेते, तब तक आपको उन बच्चों का जोड़ा नहीं लगाना। 10 पर जब वे बच्चे साफ कर ले तो आप उन बच्चों का जोड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा अपनी 10 कलियां झाड़ लेता है तो उसका ग्रोथिंग प्रोग्रेस यानी जो उसकी ग्रोथ हो रही होती है वह 10 पर साफ करने के बाद रुक जाती है। और जब 10 पर साफ करने से पहले ही आप उस कबूतर या बच्चे का जोड़ा लगाते हो तो उस बच्चे की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है और वह बच्चा आपका कमज़ोर रह जाता है। 10 परों से पहले उस बच्चे के परों में खून होता है और उस बच्चे के परों में खून होने के कारण उस बच्चे के अंदर इतनी जान भी नहीं होती कि वह जोड़ा लगने के बाद बच्चे सही से पाल पाए, या उसके अंडों से बच्चे भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब उसमें जान ही नहीं होगी तो बच्चे ही किस तरह बनेंगे अंडों के अंदर। और जब बच्चा 10 पर साफ कर लेता है तो उस बच्चे में काफ़ी समझ भी आ जाती है और वह उस वक्त बच्चे पालने काबिल भी हो जाता है। इसलिए आपको बच्चे के 10 पर साफ करने के बाद ही उसे जोड़े में डालना है। अगर आप छोटी उम्र में ही कबूतर के बच्चों का जोड़ा लगाते हो तो उनके अंडों में बच्चे भी नहीं बनेंगे और कबूतरी उस वक्त पर कच्चे अंडे भी रख सकती हैं। छोटी उम्र में उन कबूतरों में इतनी समझ भी नहीं होती कि बच्चे सही से कैसे पालने हैं। 10 कलियां झाड़ने से पहले आप कबूतर का जोड़ा ना लगाएं। 10 कलियां झाड़ने के बाद वे अच्छी तरह हीट पर भी आ जाते हैं, फिर आप उनका जोड़ा लगा सकते हैं, आपको उनसे अच्छी ब्रीड भी मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।